फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये आप सफ़ेद सी चीज़ देख रहे हैं, ये है बेकिंग सोडा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गार्डनिंग में किस तरह आप बेकिंग सोडा का यूज़ करके अपने प्लांट को हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रख सकते हैं। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, प्लांट बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तो आप इस घरेलू तरीके से प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, साथ ही प्लांट को फल और फूलों से भर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है जो कि हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं है। तो इसको प्लांट पे यूज़ करने का तरीका और प्लांट में इसे कितनी क्वांटिटी में देना है, ये सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी में नमी रहती है और नमी की वजह से फंगस लग जाती है, साथ ही प्लांट की पत्तियों में इंसेक्ट अटैक हो जाता है। ख़ासतौर पर यदि बात करते हैं गुड़हल प्लांट की, तो इसमें मिलीबग जैसे इंसेक्ट बहुत जल्दी अटैक करते हैं और प्लांट को पूरा ख़राब कर देते हैं। तो इन सब कीड़ों से और फंगस से छुटकारे के लिए ये बहुत ही मददगार है और बेहद पावरफुल तरीके से काम करता है, यदि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रोज़ प्लांट की पत्तियों में इस तरह से फंगस डिसीज़ हो जाती है, जिससे हम सभी परेशान रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट फूल देना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए भी आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं और मिलीबग जैसे चिपचिपे कीड़ों की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही यदि मिट्टी में कीड़े होते हैं जो कि स्नेल्स वगैरह और चींटियाँ, उसको दूर रखने की ताकत भी इस बेकिंग सोडा में होती है। बात करें यदि सब्जियों की, आपने सब्जियाँ लगा रखी हैं और इस तरह से इसमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग हुआ है, तो इसमें भी ये बेकिंग सोडा बहुत कारगर होता है और इसके 2 से 3 बार के यूज़ से ही आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लांट को जब तक हम इंसेक्ट फ्री नहीं रखेंगे, तब तक प्लांट का अच्छी तरह से विकास नहीं होगा और प्लांट फूल भी नहीं देगा, फल भी नहीं देगा, उसमें किसी तरह की सब्जियां भी नहीं लगेंगी। तो प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल फल पाने के लिए आप इस फंगीसाइड कीटनाशक का यूज़ करें, और बिल्कुल घरेलू तरीका है, किसी तरह का प्लांट में साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। तो इस बेकिंग सोडा को हम एक अच्छे फर्टिलाइज़र और अच्छे कीटनाशक के रूप में अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप यदि प्लांट में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट आपका इंसेक्ट फ्री रहेगा, जड़ों में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और जड़ें ख़राब नहीं होंगी। जड़ें यदि स्वस्थ रहती हैं तो प्लांट का विकास भी स्वस्थ तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाना है। इसे आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट जड़ों में भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको इसकी क्वांटिटी का, इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करनी है, क्योंकि ये प्लांट में मिट्टी का पीएच बढ़ा देता है और जो एसिडिक पसंद पौधे होते हैं उनके लिए इसकी ज़्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है। तो आपको मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना है, साथ ही इसे बार बार यूज़ नहीं करना है। यदि आप इंसेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह के कीड़े रोकने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, तब आप इसको 2 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि वो इंसेक्ट दूर ना हो जाए। बाकी यदि आप नॉर्मल इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको मंथ में 1 बार ही यूज़ करें। तो स्प्रे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और ये स्प्रे जो आपको तेज़ धूप में नहीं करना है, क्योंकि तेज़ धूप में जब आप स्प्रे करते हैं तो पत्तियाँ मुरझाने का डर रहता है। आप इसको सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में मैं इसमें लूँगी बेकिंग सोडा 1 चुटकी, ये देख रहे हैं आप 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है बेकिंग सोडा, बस हमें इतना ही लेना है। इसके बाद इसमें जो 2 चीज़ें मिलानी हैं वो है ये वॉशिंग पाउडर। आप चाहें तो डिशवॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, डिशवॉश की 7 से 8 बूंदें डाल लें, या फिर ये 1/4 चम्मच वॉशिंग पाउडर। इसके साथ ही तीसरी चीज़ जो यूज़ करनी है वो है ये नीम ऑयल। नीम ऑयल की 2 से 3 बूंदें ही यूज़ करनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं मिलीबग, उनके लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है। यदि आपके गुड़हल प्लांट में इस तरह की समस्या है तो आप इसको यूज़ करें, 1 से 2 बार यूज़ करने में ही आपका प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और ये जो चिपचिपे कीड़े हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भरना है। इस तरह से आपको अपने प्लांट में जहाँ भी इंसेक्ट अटैक है उस जगह पर स्प्रे करना है। 1 से 2 बार के स्प्रे से ही आपका प्लांट इंसेक्ट फ्री हो जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। दूसरा तरीका इसको जड़ों में डालने का है। दूसरे तरीके में आपको जड़ों में डालने के लिए 1 लीटर पानी लेना है और इसमें आपको 2 से 4 बूंदें नींबू की डालना है। इसके साथ ही 1 चुटकी आपके लिए बेकिंग सोडा डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जड़ों में डालना है। नींबू जड़ों के लिए बहुत अच्छा पोषक तत्व का भी काम करता है, साथ ही चींटी कीड़े मकोड़े इनको दूर रखता है, और बेकिंग सोडा है वो जड़ों में लगी हुई फंगस को दूर करता है। तो इस तरह से आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इसे इस्तेमाल करना है।
ऐसा आप मंथ में एक बार भी करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा के लिए हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।